हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे ही इनक्यूबेटर में 20 दिन हो जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये जो आप इनक्यूबेटर देख रहे हैं ये 50 अंडों का सेमी ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है। ये इसका कंट्रोलर दोस्तों, इसमें जो टेम्परेचर हमने सेट किया है वो 37.8 सेट किया हुआ है कड़कनाथ एक्स के लिए। इसके अंदर हमने आज से 20 दिन पहले दोस्तों कड़कनाथ के 15 अंडे रखे थे, आज 20वां दिन है दोस्तों करके इसमें के 3 चूजे बाहर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और बाकी बहुत सारे अंडों को, जैसे कि शायद आपको बता दूँ, ये देखिए बहुत सारे अंडों को क्रैक हुआ है, आप देख सकते हो। लगभग शाम तक या फिर कल सुबह तक अभी बहुत सारे चूजे निकल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे अंडों को क्रैक हुआ है, यानी लगभग शाम तक या फिर कल सुबह तक बहुत सारा चिक्स अभी बाहर आ जाएगा। जैसे आपके अंडों में से चूजे निकलना बाहर आ जाते हैं दोस्तों, तो आपको इनको पीने के लिए पानी लगाना है, लेकिन पानी लगाने के लिए ऐसी कोई कटोरी यूज़ करना, उसके बीच में कोई चाय की कप डाल देना, ताकि सिर्फ छोटी सी जगह पानी पीने के लिए चूजों को रह सके, ताकि चूजा इस कटोरी के अंदर जाके ना गिरे। पानी में आपको गुड़ का पानी लगाना है, 1 लीटर पानी में आप 7 से 8 ग्राम गुड़ डाल सकते हो दोस्तों। साथ ही आप उनको फील्ड में, फ्री स्टार्टर है तो फ्री स्टार्टर, चावल, मक्का, कोई भी बारीक चीज़ आप पीस कर उन्हें दे सकते हो। आपके चूजे कौन से उस पर डिपेंड करेगा, आपके पास कौन सा फीड है इस पर भी डिपेंड करेगा। और एक बात बता दूं, आज 20वां दिन है, लेकिन 18 दिन के बाद जब भी आप इनक्यूबेटर खोलते हो दोस्तों, तो इसका जो ह्यूमिडिटी है वो लेस हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इनक्यूबेटर बार बार खोलने से ह्यूमिडिटी लेस हो जाता है। तो जैसे आप इनक्यूबेटर किसी काम के लिए खोलोगे और वापस से बंद करने के पहले ये जो पानी है दोस्तों, इस पानी में आपको गर्म पानी यानी थोड़ा गुनगुना पानी डाल देना है, ताकि आपकी ह्यूमिडिटी वापस से बन सके। आज 20वां दिन है दोस्तों, 20वां दिन शाम का समय, आप देख सकते हो कि अभी तक 7 चूजे बाहर आ चुके दोस्तों 15 अंडों में से, और अभी बहुत सारे अंडों में से चूजे निकलेंगे। आप देख सकते हो ये एक अंडा भी थोड़ा ज़्यादा क्रैक हुआ है, लेकिन कड़कनाथ का जो छिलका होता है दोस्तों, वो थोड़ा हार्ड होता है, उस कारण कभी कभी चूजों को निकलने में दिक्कत होती है करके, आप उसे थोड़ा सा हल्का सा अपने हाथ से उसे क्रैक कर सकते हो या छिल सकते हो, ताकि चूजे को बाहर आने में आसानी हो। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के बाद में हम इसका मुआयना और करेंगे। अभी 2.5 से 3 घंटे होने के बाद दोस्तों, हमने फिर से इनक्यूबेटर खोला है, लेकिन जो अंडे को हमने थोड़ा सा क्रैक किया था उसमें से अभी तक पूरा चूजा बाहर नहीं आया है दोस्तों, करके इसको थोड़ा सा और क्रैक करना पड़ेगा। और ये पूरी तरह से स्वच्छ है करके मैं इसे पूरा ही निकाल ले रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। ऐसे नज़ारे हर वीडियो में देखने को नहीं मिलते दोस्तों। अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में पूरी तरह से बाहर आ जाएगा और सूख के अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो। अभी तक 9 चूजे बाहर आ चुके हैं। अभी रात में तो मैं शूटिंग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कल सुबह का नज़ारा आप अभी वीडियो में देख सकते हो। अभी फ़िलहाल 11 चूजे बाहर आ चुके हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, 15 कड़कनाथ के अंडों में से 11 चूजे बाहर आ चुके हैं, और वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है। ये चूजे कल से निकलना शुरू हो गए थे और बाकी के रात को ही निकले हैं करके दोस्तों। अभी हम लेग्जिन पाउडर मिला के पानी दे रहे हैं उनको पीने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप 3 दिन तक लेग्जिन पाउडर का पानी उन्हें दे सकते हो। आप सुबह लेग्जिन पाउडर, रात को वायमेरॉल ऐसा भी दे सकते हो, या कंटिन्यू 3 दिन तक लेग्जिन पाउडर भी दे सकते हो। आप देख सकते हो अभी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11 चार अंडों में से चूजे अभी निकलने बाकी है दोस्तों। मुझे लगता है शायद एक आध अंडे में से तो और चूजा निकलेगा ही निकलेगा। अभी थोड़ी देर के बाद में और मैं आपके लिए वीडियो शूट करूँगा। ये देखिए आप, एक जो अंडा है दोस्तों वो भी अभी फूटना शुरू है, इसको थोड़ा सा हम क्रैक कर देते हैं ताकि ये भी बाहर आ सके। आप अभी वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मैं आपको इनक्यूबेटर के बारे में बता दूं। अगर किसी भाई को इनक्यूबेटर परचेस करना है तो ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये 50 अंडों का सेमी ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है। इसमें आप 10-20 कितने भी अंडे रख सकते हो। इसका प्राइस मात्र 2,900 रुपये, 2900 होम डिलीवरी का रेट है दोस्तों। मात्र 2,900 रुपये में ऑल इंडिया कहीं भी होम डिलीवरी हो जाएगा। अगर आपको 100 अंडों का परचेस करना है तो मात्र 3,700 रुपये, 3,700 में होम डिलीवरी होगा।
कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होने के कारण दोस्तों मैं पेमेंट पहले बैंक अकाउंट में लेता हूँ, उसके बाद आपका मशीन यहाँ से कुरियर से आपके घर के लिए रवाना होगा। अगर आपको इनक्यूबेटर परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारी नंबर दी हुई है, उस नंबर पर आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हो। ध्यान रखना कि बातचीत जो है वो शॉर्टकट में हो तो अच्छी बात है, और इस वीडियो को लाइक करके अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।